एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का खेल एक बार फिर बारिश की नजर। तूफानी बरसात ने अरमानों पर पानी डाल दिया। भारतीय इनिंग्स के दौरान बारिश हुई, तेज बारिश से ग्राउंड पानी पानी हो गया। खुश्क करने के लिए पंखे भी मंगवा लिए गए, साथ साथ इंस्पेक्शन भी चलता रहा। अंपायर्स खेल शुरू ही करने वाले थे कि फिर बादलों ने अपना खेल दिखा दिया। अब मैच पीर पर चला गया। बारिश से पहले 24.1 ओवर्स का खेल हुआ। भारतीय ओपनर्स ने सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई। पहली विकेट के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स को 121 रन का इंतजार करना पड़ा। गिल 58 और रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। भारत के दो विकेटों पर 147 रन। फिर बारिश खेलने आ गई। आज खेल वहीं से शुरू होगा जहां इतवार को रुका था। आज भी कोलंबो में तेज बारिश की पेशगोई। शाहीन अफरीदी का पहले ओवर में छक्के से इस्तकबाल। शादाब को पहले ओवर में 19 रन का तोहफा। दो छक्के लगे, दोनों छक्के शर्मा ने रसीद किए। ना विकेट ले सके, ना रन रोक सके, ना कैच पकड़ सके। पाकिस्तानी बॉलर और फील्डर फील्ड में बेबसी की तस्वीर बन गए। तेज रफ्तार शुभमन गिल ने 37 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 8वीं निसफ सेंचुरी मुकम्मल की। शर्मा की 50 की 50, वन डे कैरियर की 50वीं निसफ सेंचुरी जड़ दी। 42 गेंदों पर बनाई 50 में 4 छक्के और 5 चौके शामिल। शर्मा 22 रन की कमी से वन डे कैरियर के 10,000 रन इस इनिंग्स में मुकम्मल ना कर सके। नसीम शाह पहला स्पेल, वाह वाह। ओपनर्स परेशान, शायकीन हैरान। नसीम शाह की घूमती गेंदें भारतीय बैटर्स के लिए बनी रही वबाले जान। पहले स्पेल में 2 कैच भी ड्रॉप हुए, 1 रिव्यू जाया गया और कितनी गेंदें बैटर्स के लिए खतरा बनी। बदकिस्मती से उन पर विकेट ना मिल सकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इत्तेहादियों को डरपोक और इलेक्शन से भागने वाला करार दे दिया। कहा इत्तेहादी बल्दियाती और ज़मीनी इंतखाबात से तो भागे, अब शायद आम इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। सियासत में जो डर गया वो मर गया। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की तरबियत नहीं। पीटीआई को अवाम दुश्मन सेलेक्टेड क़यादत का मुकाबला अवाम की ताकत से करेंगे। मुल्क भर में पीटीआई चेयरमैन की जमानत जब्त करवाएंगे। अफगान हुकूमत ने दोहा मुआहदे में अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने का वादा किया। तवक्को है अफगान हुकूमत वादे की पासदारी करेगी। वजीर खारजा ने कल बता दिया है कि TTP का हमला अफगानिस्तान की तरफ से ही हुआ है। ये कहना काबिल वक्त है कि हमले में अफगान लोग भी शामिल थे या सिर्फ TTP के। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FIA ने 48 छापे मारकर हवाला हुंडी में मुलव्वस 49 अफराद को गिरफ्तार किया। ज़खीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस भेजा जाएगा। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक और 6 शदीद जख्मी हो गए। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। FIA की कार्रवाइयों में 26 लाख डॉलर जब्त कर लिए गए। करंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मुल्क में हुंडी हवाला से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 722 करंसी डीलर हवाला हुंडी के धंधे में मुलव्वस हैं। सबसे ज्यादा 205 हवाला हुंडी डीलर्स सूबा पंजाब में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 183, सिंध में 176, बलूचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 17 डीलर्स हवाला हुंडी का धंधा कर रहे हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के तआवुन से मुल्क की सतह पर स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन जारी। सूबे बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में मनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरक ऑपरेशन। 1100 किलो चर्स, 94 किलोग्राम एफिड्रीन, 16.2 किलोग्राम आइस और 1090 लीटर HCL भी बरामद कर ली गई। 70 एकड़ पर मनशियात की फसलें तलफ। 48 मनशियात के कंपाउंड्स को गिरा दिया गया। मनशियात प्रोसेसिंग की 28 मशीनें तबाह कर दी गईं। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन में 11 अफराद को जेर हिरासत लिया गया। पाकिस्तान में ईरानी तेल की स्मगलिंग का धंधा।
29 सियासतदान, 90 सरकारी हुकाम और सरहद से मलेका इलाकों के 76 डीलर्स मुलव्वस हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्मगलिंग पर रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 994 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। स्मगलिंग से सालाना 60 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ब्यूरोक्रेसी की इस्तेदाद बढ़ाना जरूरी है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि हमें 75 और 100 अरब डॉलर सरमायाकारी के हवाई दावे नहीं करने चाहिए। रिफाइनरी के क्याम पर सऊदी अरब के साथ मफाहमत की याददाश्त से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन मसला ये था कि हमारी वजारतें खुद ये प्रोजेक्ट करना चाहती थी, जबकि सऊदी अरब इसके लिए कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तर्ज पर इदारा चाहता था। अरब मुल्क पाकिस्तान को तजारती नज़र से देखते हैं, बरदर मुस्लिम मुल्क के तौर पर नहीं। शुगर मिल मालकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। शुगर मिल्स मालकान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को यकीन दहानी करा दी। मिल्स मालकान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार बाजारों में खसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोख्त की जाएगी। मिल मालकान से मुलाकात में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर इतफाक। शुगर मिल मालकान के वफ्त में हारून अख्तर, जका अशरफ, फवाद मुख्तार और दीगर शामिल थे। मॉर्निंग 7, 8, 9 o'clock एज पर रिक्वायरमेंट सारे खोलते हैं। शाम को 6 बजे फिक्स टाइमिंग होती है हमारी, अगर उसके अलावा आप टाइमिंग एक्सटेंड करते हैं तो उस पर वो म्यूनसिपालिटी की तरफ से फाइन होता है। वक्त पर बंद नहीं करेंगे तो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से उन्हें इसका फाइन भी पे करना पड़ सकता है, और ये फाइन जो है तकरीबन 20 से 50 हजार दिरहम जो है वो जुर्माना होता है। वाफर बिजली दस्तयाब, फिर भी दुकानें और बाजार इंतजामिया के बताए हुए वक्त पर बंद करना लाजमी। दुबई में कारोबार खोलने बंद करने का नज्म व जब्त सब के लिए मिसाल। सुबह 8-9 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग तरह कारोबार बंद करने का वक्त भी मुकर्रर। मुकर्रा वक्त पर दुकान बंद ना करने पर 20 से 50 हजार दिरहम तक जुर्माना होता है। देर तक कारोबार के लिए बल्दिया और पुलिस से इजाज़त लेना भी लाजमी। मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले बरतानवी शहर मैनचेस्टर में भी कारोबार सुबह 8 बजे खुलता और 6 बजे बंद हो जाता है। ताजरों का कहना है कि दिन में कारोबार ज़्यादा अच्छा चलता है, सर्दियों में जल्दी रात होने की वजह से घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाती हैं। सिंध की निगरान हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला सिंध की सरबराही में कार्रवाई के लिए सूबाई टास्क फोर्स कायम, नोटिफिकेशन जारी। बिजली चोरों के खिलाफ जिले सतह पर कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियां भी बना दी गई हैं। सिंध पुलिस की तमाम थानों को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई की हफ्तावार रिपोर्ट IG सिंध को भेजी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का रद्द अमल, कहा कराची और हैदराबाद की मेयरशिप से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। पीपल्स पार्टी के क्याम से आज तक कराची और हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया। कराची में गैरकानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां, 45 गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक इन अफगान बाशिंदों को कोरंगी, लांडी, शाह फैसल और मलीर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बलूचिस्तान में सुई के इलाके से अगवा मकामी फुटबॉलर्स को अब तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। 7 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। मकामी इंतजामिया का कहना है कि मगवी खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। 6 फुटबॉलर्स को डेरा बुकटी से सिब्बी जाते हुए जानी बेड़ी के करीब अगवा कर लिया गया था। कराची के इलाके न्यू टाउन में चलती गाड़ी में मियां बीवी का झगड़ा। शौहर ने खुद को सीने में गोली मार ली, निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी से असलहा बरामद। मुजफ्फरगढ़ के DHQ अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे का दिल जिस्म से बाहर। डॉक्टर्स के मुताबिक नौमौलूद का दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बच्चे को ऑपरेशन के लिए मुल्तान के चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के बाप का कहना है कि वो बच्चे के इलाज मुआलजे के खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुकूमत से मदद की अपील।
मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात में दाखिले के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एमडी कैट टेस्ट, हजारों तलबा और तालिबात की शिरकत। डेरा इस्माइल खान में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने पर 10 तलबा गिरफ्तार। पेशावर में भी इसी तरीके से नकल करने पर मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। 43 को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। तलबा आज अदालत में पेश किए जाएंगे। जामशोरों में टेस्ट के दौरान शदीद गर्मी से मुतअद्दिद तलबा बेहोश हो गए। टोल टैक्स क्यों मांगा? कराची के मोचको टोल प्लाजा पर कार सवार ने हमले पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी कैशियर सिविल अस्पताल में जेरे इलाज है। लाहौर में आवाम में खौफ और हिरास फैलाने के इल्जाम में 2 टिकटॉकर्स गिरफ्तार। तर्जुमान CIA पुलिस का कहना है कि मुलजमान टिकटॉक में असलहे वाली वीडियोस बनाकर पोस्ट करते थे। मुलजमान के कब्जे से 7 पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां बरामद करने का दावा। क्वेटा के प्रिंस रोड पर अर्तुगरल का जानशीन निकल आया। न घुड़सवार ने सिग्नल देखा, न घोड़े ने, घोड़ा ट्रैफिक की उल्टी सम्त दौड़ा। एक गाड़ी और एक रिक्शे से बचा तो दूसरे रिक्शे से टकरा गया। घुड़सवार जमीन पर आ गिरा, रिक्शे का शीशा टूट गया, घोड़े की टांग टूट गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची के बाग जना में अलखिदमत के तहत IT कोर्स के लिए टेस्ट का इनेकाद। बनो काबिल प्रोजेक्ट में शिरकत के लिए हजारों तलबा और तालबात पहुंच गए। 1 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात ने टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी। वियतनाम की लड़की ने नारोवाल के निजी कॉलेज के लेक्चरर ताहिर से शादी कर ली। दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। वियतनाम की एशन ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने लिए आमना का नाम पसंद किया है। आमना ने कहा कि पाकिस्तानियों से मिलकर अपनाइयत का एहसास हुआ। भारत में होने वाला G20 इजलास दुनिया भर में जगहसाई की वजह बन गया। 2,700 करोड़ रुपए से बनने वाला इजलास का वेन्यू मामूली बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में बारिश के बाद इजलास का वेन्यू तालाब का मंजर पेश करने लगा। मोदी सरकार पर कांग्रेस की तनकीद, कहा अरबों रुपए से बना कन्वेंशन सेंटर तैराकी कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस के जेर तमाम कैनेडा में खालिस्तान के क्याम के लिए रेफरेंडम का नया मरहला। वैंकूवर में आज गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में इस रेफरेंडम के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कैनेडा में 18 जून को कत्ल किए जाने वाले खालिस्तान चैप्टर के सरबरा हरदीप सिंह इसी गुरुद्वारे में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर बख्शिश सिंह सिंधु कहते हैं हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस है। लाखों की तादाद में कैनेडियन सिख आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट देंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा हमेशा आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज की आज़ादी का दिफा करेगा। कनाडा में सिख बरादरी के भारत मुखालिफ मुजाहिरों और एहतजाज के सवाल पर जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा के लिए आज़ादी इजहार राय, ज़मीर की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज का हक बहुत अहम है। कनाडा हमेशा तशद्दुद और नफरत के खात्मे के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होता है। हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी के एहतराम की अहमियत को उजागर किया है। पाक भारत मैच में बारिश खेलने आई तो सोशल मीडिया पर मंचलों को नया खेल हाथ लग गया। बारिश की मीम्स बना दी। किसी मंचले ने कहा कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले स्विमिंग का फैसला कर लिया। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का और स्टेडियम तमाशाइयों से खाली। बारिश की पेशगोई या महंगाई के असरात? मैच के लिए कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में तमाशाइयों की हाजिरी बहुत कम। इंतजामिया ने टिकट्स की कीमत गिरा दी। C और D ब्लॉक की कीमत 1000 श्रीलंकन रुपए, C और D लोअर ब्लॉक की कीमत 500 रुपए पर आ गई। इसी मैच का टिकट इवेंट का शेड्यूल ऐलान होते वक्त दीगर मैच से 10 गुना तक ज्यादा महंगा था। बड़े दिल का बड़ा खिलाड़ी स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मराकश में अपना होटल जलजला मुतासरीन के लिए खोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मराकश में रोनाल्डो का लग्जरी होटल जलजला मुतासरीन को पनाह फराहम कर रहा है। जुमे को आए जलजले से मराकश में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। जलजले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई।
और कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के तीसरे रोज थिएटर प्ले द पुलिस में हाजरीन की दिलचस्पी। छुट्टी के दिन थिएटर के बैनुल अक्वामी मेले में शुरका की तादाद में इजाफा। फेस्टिवल में श्रीलंकन रक्स पर मबनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। थिएटर फेस्टिवल में 7 बैनुल अक्वामी और 27 मुकामी ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंग्रेजी, टर्किश, जर्मन, फ्रांसीसी, फारसी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी समेत दीगर जबानों में 45 शोज होंगे।